आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के तमाम 8 मुअत्तल अरकाने पार्लियामेंट ने अपना धरना खत्म कर दिया है। अब तमाम मुअत्तल अरकाने पार्लियामेंट के साथ मॉनसून सेशन का बाइकॉट करेंगे। आपको बता दें कि 20 सितंबर को किसानों से जुड़े मुतनाज़ा बिलों को मंजूर कराने के दौरान इन अरकाने पार्लियामेंट ने हंगामा किया था, जिसके बाद पीर को राज्यसभा स्पीकर वेंकैया नायडू ने 8 अरकाने पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन ने पूरे मॉनसून इजलास के बाइकॉट का ऐलान किया है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक इजलास से अपोजिशन दूरी बनाए रखेगा। वहीं अपोजिशन के बाइकॉट के बीच ज़राअत से मुतालिक तीसरा बिल भी राज्यसभा में पास हो गया है। राज्यसभा के मुअत्तल रुकन सैयद नासिर हुसैन ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि डिप्टी चेयरमैन अगर चाहते तो राज्यसभा की कार्रवाई जारी रह सकती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर वक्त बढ़ाकर एकतरफा बिल पास कराने की कोशिश की, जिसकी वजह से यह हंगामा हुआ और अरकान को मुअत्तल किया गया। नासिर हुसैन से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। सभा सांसद सैयद नासिर हुसैन साहब, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, सर क्या वजह है कि आप लोग को सस्पेंड कर दिया गया? कहा गया कि आप लोग हंगामा कर रहे थे, क्या राज्यसभा चल नहीं सकती थी? नहीं, बिल्कुल राज्यसभा चल सकती थी अगर उपसभापति अगर चाहते हैं राज्यसभा को चलाना, अगर वो चाहते हैं प्रॉपर तरीके से बिल्स को पारित करवाना तो बिल्कुल राज्यसभा चल सकती थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिना अपोजिशन को पूछे टाइम बढ़वा के हंगामा खड़ा करवा के एक तरफा बिल पास करवाने की कोशिश की, इसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ। वो यही बहाना बना के वो 8 सांसदों को अपोजिशन के अलग अलग पार्टीज़ के सांसद को उन्होंने सस्पेंड किया, और के साथ में उनको ये भी लगता है कि ये पर्टिकुलर बिल्स के ऊपर उनके पास नंबर्स नहीं थे, वाकई में नहीं थे, क्योंकि बीजेडी, AIADMK, TRS और अकाली दल जैसे पार्टीज वो अपोज कर रहे थे। तो अपने बिल पास करवाने के लिए और आगे भी काम करवाने के लिए उन्होंने 8 सांसदों को निलंबित किया। आप कह रहे हैं कि उपसभापति डिप्टी चेयरमैन नहीं चाहते थे बल्कि एक तरफा काम कर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि आपके पास नंबर नहीं था इसलिए हंगामा किया, अनपार्लियामेंट्री रवैया आप लोगों ने अख्तियार किया। डिप्टी चेयरमैन साहब को कैसा पता चला कि हमारे पास नंबर्स नहीं है? और एक भी अगर सांसद अगर डिवीजन की मांग करता है, वोटिंग की मांग करता है, तो उनको करवाना चाहिए। ये प्रेसिडेंट है, ये कन्वेंशन है, यही रूल भी कहता है, तो उन्होंने क्यों नहीं करवाया डिवीजन? अगर उनको सत्ताधारी पार्टी को अगर ये कन्विंस थे और कॉन्फिडेंट थे उनके पास नंबर थे तो डिवीजन करवा सकते थे, परसों छोड़िए कल करवा सकते, कल छोड़िए आज फिर करवा सकते थे। उन्होंने करवाया नहीं क्योंकि उनको पता है उनके सहयोगी दल के अंदर ही जो है इसको लेके विरोध है। एक मंत्री ऑलरेडी रिजाइन कर चुकी हैं और दूसरे पार्टीज अपोज कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, इस चक्कर में इन्होंने ये सब हंगामा करके इसको बुलडोज करवाया। आप लोगों ने पूरी रात धरना दिया है, लेकिन सुबह में उन्होंने कोशिश की, चाय नाश्ता लेकर के आए, कॉन्टेक्ट किया, तो बातचीत हुई? देखिए, आप एक तरफ जो है बिल पारित करते हैं बिना कॉन्फिडेंस में लिए, दूसरी तरफ सस्पेंड करते हैं, उसके बाद चाय पानी लेके आके बात करने की कोशिश करते हैं, कौन मानेगा? हम लोगों ने साफ कहा है कि जो किसानों के मुंह से निवाला उन्होंने छीना है उसको वापस करें, और वो सारे चीज़ इंक्लूड बिल में करें जो किसान के पक्ष में रहेगा। जब भी हम जो है इनकी बात मानेंगे जब भी, और जब तक सस्पेंशन रिवोक नहीं होगा हम यहीं पर धरने बैठेंगे, बोले थे। लेकिन आज सारे अपोजिशन पार्टीज बाइकआउट करके वहाँ से बाहर निकल के अपील करने के बाद धरना हम लोगों ने हटाया। डिप्टी चेयरमैन साहब से आप लोग नाराज रहेंगे, पार्लियामेंट नहीं जाएंगे? तो सस्पेंशन का जब तक पीरियड रहेगा रहेगा, अब ये अपोजिशन पार्टीज कब तक बाइकआउट कर रहे देखेंगे, जब सारे अपोजिशन पार्टीज संसद जाएंगे जब हम भी जाएंगे। चेयरमैन साहब ने आप लोगों से, कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट कर दिया है तो ये कहा है कि आप लोग वापस आइए, सोचिए इसके बारे में, तो क्या आप मानते हैं कि जाना चाहिए? जब तक सस्पेंशन रिवोक नहीं करते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता जाने का, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं सारे अपोजिशन पार्टीज एक आवाज़ में वहाँ पे खड़े होकर कहे हैं कि जब तक हमारे साथी आठ साथियों को जब तक अंदर वापस लिया नहीं जाएगा, सस्पेंशन जब तक रिवोक नहीं किया जाएगा, हम कोई नहीं जाएंगे करके। अब उस फैसला वहाँ पर साफ है, अगर वो एक तरफा सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के पार्टियाँ बैठ के अपने बिल्स पास करवाना चाह रहे बात पास करवा लें। डिप्टी चेयरमैन साहब ने जिस तरह से आप लोगों से बात करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आया, तो एक तरीके से सरकार ने अपना रुख वाजे कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री का ट्वीट में क्या है? प्रधानमंत्री के ट्वीट में ये वो हरवंश राय सिंह साहब की तारीफ कर रहे हैं, वो तो कहीं पे भी जो 8 सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया उनका सस्पेंशन रिवोक करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एकदम जो है
टीवी चैनल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑप्टिक्स के लिए उन्होंने चाय पानी लेके उनको भेजा है लगता है, वहाँ पे आए। हम लोगों ने उनको साफ बोल दिया था आप अपना रवैया बदलना पड़ेगा, सस्पेंशन रिवोक करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बातचीत होगी। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शिवसेना के तर्जुमान